हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक डोसे दो तरीके का नाश्ता बनाएंगे, जो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। जब मेरा तेल गर्म हो गया है तो उसमें मैंने जीरा, खड़ी धनिया उसको प्रेस करके डाली है, फिर थोड़ी सी सौंफ डाली है। उसके बाद में जब मेरा ये मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम हरा मिर्च डाल देंगे काट के। ये देखिए हरा मिर्च डाल दिया है। अब इसमें आलू उबाल के रखा हुआ था उसको हाथ से फोड़ लिया है और उसको इसमें डाल दिया है। अब आलू को उसमें भूनेंगे कढ़ाई में। जब हमारा आलू भून जाएगा तो उसमें थोड़ा सा हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जैसा आपको तीखा खाना हो तो ज़्यादा डालिए नहीं तो कम डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर, फिर आपस में मिला लीजिए। फिर सबसे लास्ट में इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से भून लीजिए। हमारा मसाला अच्छे से बन के भुन जाएगा तो सबसे लास्ट में इसमें फिर धनिया डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला भुन गया है तो हमने धनिया डाल के निकाल लिया है। अब मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसमें क्रश करके अजवाइन डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, या आप तो देसी घी भी डाल सकती हैं। रिफाइंड ऑयल डाल के इसको वो कर आपस में मिला देंगे पूरे मैदा में। ये देखिए बहुत अधिक नहीं डालना है, बस हाँ थोड़ा सा ऐसा हो कि नाश्ता हमारा मुलायम बने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे बाज़ार में बहुत सारा पड़ा रहता है घी, ये देखिए हमारे में पूरे मैदे में घी मिल गया है। अब इसको पानी से सान लेंगे हल्के हाथों से। हमने हल्के हाथों से मैदे को सान लिया है, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, खूब अच्छे से एक मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा आटा सन गया है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। अब लोइयों को बेल लेंगे। ये देखिए अब इसमें आप मनचाहा आकार दे सकती हैं। मैंने तो इसको देखिए इसको चाकू से जैसे पटरी समोसे बनते हैं इसे काट के छोटे छोटे से उसको समोसों का बना दिया है। ये देखिए इसे सड़क में लोग छोटी छोटी सी कढ़ाई में लेके बेचते रहते हैं, वैसे छोटे समोसे मिनी समोसे बना दिए हैं। उसके बाद में उसी आटे से चौकोर सा काट के जैसे पेटीज बनती है वैसे भर दिया। ये नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए उसके बाद हल्का सा पानी लगा के और उसको बंद कर देंगे किनारे से। ये देखिए नया साल आ रहा है, तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। आप चाहें तो ये भी नाश्ता ट्राई कर सकती हैं, बना के रख लीजिए। अगर आपके घर में मेहमान कोई आ जाए तो फटाफट इसको सेक लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप कोई और कोई भी आकार से सेव बना सकते हैं। अगर हम आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए। अब इसके बाद में हमारे सारा नाश्ता बनके रेडी हो गया। अब उसको मैं रिफाइंड ऑयल डाल के और सबको लाल सुनहरा होने तक तल लेंगे। उसके बाद तल के निकाल लेंगे। ऐसे ही पड़े रहने देंगे, जब एक तरफ सिक जाएगा उसके बाद ही उसको पलटेंगे, नहीं तो हो सकता है फूटने का भी डर रहता है। वैसे फूटता नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता हो बाई चांस आलू निकलने लगे। ये देखिए हमारे मिनी समोसे भी सिक रहे हैं मज़ेदार। हमारा नाश्ता बनकर है तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।